हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित मनोहर की बुक है जिसमें हमारा अध्याय 1 है संख्या पद्धत प्रश्नावली 1 का यह देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 से पीछे के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 देखा है, हम 2 देखेंगे। करा निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए, मान नीचे से कर्णी हटाना है। परिमेय करने का मतलब हर का परिमेयकरण का मतलब नीचे से कर्णी हटाना है, तो इसके लिए हमारा 2/5। अब जो यहाँ है इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक कर्णी में 5 का 5 होता है, कर्णी में 5, इसलिए कर्णी में 5 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा 2 × 5 और नीचे बन जाएगा कर्णी में 5 × 5 बराबर कर्णी में 25 लिखिए, या तो ये कर्णी से बाहर हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगला है 6/3 है, कर्णिम 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक कर्णिम 3 ही होता है, इसलिए कर्णिम 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर बन जाएगा 6/3 और कर्णिम 3 मिलके 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 × 2 = 6 तो 2 आ जाएगा और ये कर्णी में 3 आपका बचा रहेगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम ले लेते हैं इसके और कुछ प्रश्नों को, तो दिया है हमारा नंबर 3। कह रहा है इसका अभी हर का परिमेयकरण करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नीचे का अगर खंड हो रहा है तो खंड करके पहले बाहर निकाल लेंगे, तो 8 का खंड करेंगे तो 2 × 4 × 8 बन जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, इसका मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, कर्णिम 3 ऐसे रहेगा, नीचे से 1 बाहर निकलेगा और ये 2 बच जाएगा। अब इस कर्णिम 2 का सरलतम परिमेयकारी गुणक कर्णिम 2 होता है, इसलिए कर्णी में 2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो ऊपर चूँकि कर्णी की घात बराबर है इसलिए अंदर जाके गुणा हो जाएगा, कर्णी में 3 × 6 बन जाएगा और नीचे कर्णिम 2 बराबर 2, तो ये 2 और ये दोनों मिलके 2 बन गए, तो 2 × 4 हो गया, कर्णी में 6/4 आ गया है और यही हमारा आंसर बन गया। यदि आप गुणा वाले वीडियो को न देखे हों चैनल में जाकर के पीछे गुणा कैसे किया जाता है वहाँ आप देख सकते हैं। अगला ले लेते हैं नंबर 4। यहाँ दे दिया है 13/ है, कर्णी में 3, कर्णी घात 3। अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक निकालेंगे तो इसके पास 1 घात है और यहाँ 3 है, तो 2 घात की कमी है, इसका मतलब कर्णी में 3 × 2 और कर्णी वाली घात रहेगी और यही हमारा नीचे भी होगा, 3 × 2 और कर्णी घात 3 रहेगी, क्योंकि इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक यही होता है। अब ऊपर तो हमारा 13 × 3 और 3 का स्क्वायर माने 3 × 9 लिख सकते हैं, नीचे ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा 3 × 2 और 1 मिला के 3 बन जाएगा और कर्णी घात 3 रहेगी। अब चूंकि ये दोनों घात बराबर है तो कट के बाहर निकल जाएगा, तो 13/3 बन जाएगा और बाकी कर्णी में 9 और कर्णी घात 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2 का ही 5वां ले लेते हैं, तो क्या दिया है 7/12 है, तो पहले हम तो 12 का खंड करके और बाहर निकाल लेंगे, तो 7 ऐसे रहेगा, 12 को लिखेंगे 2 × 4 = 12, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, 2 का जोड़ा बनेगा, 1 बाहर हो जाएगा और एक कर्णी में 3 नीचे बच जाएगा। अब कर्णिम 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक कर्णिम 3 होता है, इसलिए कर्णिम 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 7 × 3 मिलेगा, ये दोनों मिलके 3 हो जाएंगे, तो 2 × 3 बन जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगला हम ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 2 है और 7 × 3 = 3। चूँकि हमें नीचे का ही सरलतम परिमेयकारी गुणक चाहिए, तो यहाँ पर 1 घात है और यहाँ 3 है, तो 2 घात की कमी है, इसलिए कर्णी में 3 × 2 और कर्णी घात 3, इसी तरह से नीचे 7 रहेगा, सॉरी
सात हमें नहीं लेना है, कर्णी में तीन और घाते दो जो यहाँ लिखे हैं उसी का गुणा करना है। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये तीन ऐसे मिल जाएगा, नीचे ये सात मिल जाएगा, ये यहाँ पर दो है और यहाँ तीन है तो दोनों का गुणा नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ दो और यहाँ तीन का एलसीएम छः बन जाएगा। अंदर दो है तो दो लिखेंगे, अंदर तीन की घात दो यानी तीन त्रिका नौ रहेगा और कर्णी घात हमारा यहाँ पर हमने पाया छः ही रहेगा। अब आगे आ जाएंगे, नीचे हमारा यहाँ कर्णी तीन, चूँकि यहाँ घात बराबर है इसलिए अंदर गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा तीन कर्णी घात और तीन घाते तीन हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ दो है, दो का घात में घात का भाग देंगे तो दो तियाई छः तीन बार जाएगा तीन लिखेंगे, तीन दूनी छः दो बार गया तो दो लिख देंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा, तीन बटा सात मिलेगा और कर्णी घात बराबर हो गई तो अंदर जाके गुणा हो जाएगा तो दो का घात तीन माने दो दूनी चार दूनी आठ और ये बन गया नौ नवा इक्यासी और कर्णी घात छः और नीचे से हमारा ये तीन तीन कट के बाहर हो जाएगा और तीन हमारा बाहर निकल जाएगा तो ये तीन तीन से कटेगा, एक बटा सात मिल जाएगा, आठ का आठ हो जाएगा वो आठ अठाई चौंसठ हो जाएगा और कर्णी घात छः और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे